पहिली बातमी निकालाआधीच मुख्यमंत्री पदावरून महाविकास आघाडीमध्ये घमासान सुरू झाल्याच्या चर्चा आहेत। काँग्रेसच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन होईल या नाना पटोलेंच्या दाव्यानंतर आघाडीमध्ये बिघाडी निर्माण झाल्याचं बोललं जात आहे। पाहूयात। जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस के सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे। नाना पटोले जी की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उनका कहना है कि कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी सरकार बनने जा रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस का अगला मुख्यमंत्री होगा? नहीं, मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमान ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खड़गे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। लेकिन नाना पटोले जर मुख्यमंत्री होणार असे तर राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आधीच ते जाहीर करावं, त्यांचा विरोध आहे तुमच्या मुख्यमंत्री होण्यास? अजून कुठली चर्चाच नाही आहे, त्याच्यावर मी आता चर्चा काय करावी? संजय राऊत साहेब काही त्यांचं ते हायकमांड असल्यामुळे ते काही बोलू शकतात, त्यांना अधिकार आहे।